पमहूर पंचायत से आपने नामांकन कराया है, क्या तैयारियां रहेंगी चुनाव के? तैयारियां बहुत बढ़िया, अच्छा रहेगी। ऐसे में देखा जाता है कि विकास किस तरह से और कैसे विश्वास जनता के बीच? देखिए सर, विकास करना हमारा कर्म है, हमेशा मार्ग पर ले जाना हमारा धर्म बनता है। विकास को हमारा ले जाना एकदम धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे मुरली यादव जी? मैं मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि आप लोग अपना मत सोच समझ करके, विचार बना करके मतदान कीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मत उल्टा डालने से, कहीं जगह से डाल देने के बाद पश्चाताप न करें। मुखिया जो जो वर्तमान मुखिया थे, उन्होंने अपने गांव में क्या किया, क्या हुआ? जो वर्तमान मुखिया है, जितना उनको सपरा, जितना उनको मिला सरकार की तरफ से, उन्होंने अपना काम किया। ऐसे में जनता के बीच मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? सर, जनता के बीच मुद्दा यही रहेगा कि विकास की ओर जाना है, विकास करना है। जितना भी आपके पास क्षमता है, सरकार से जितना आपको प्राप्त है, विकास की ओर भागना है। चलिए धन्यवाद। मैं राजेश कुमार, चंद्रता का मुखिया, आज नामांकन भरा हूँ। राजेश जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से? चुनाव तैयार, जनता के नियमानुसार आचार संहिता का जो आचार संहिता है उसको पालन करते हुए हम चुनाव लड़ना है। चुनाव की तैयारियों को देखते हुए जनता के बीच मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? इसमें मुद्दा जो है विकास है, गली नली है, लोगों की सुख का जो मुद्दा है। जनता का समर्थन किस तरह से आपको मिल रहा होगा? जनता का समर्थन हमारे काम के बदौलत है। हमने जनता को जो है मान सम्मान किया है, काम भी किया है, विकास हुआ है। ऐसे में युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नल जल योजनाओं को लेकर अपने ग्रामवासियों से, अपने पंचायतवासियों से क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के विषय पर हम कहेंगे कि सभी लोग विद्यालय जाए, शिक्षित हैं, सभी जो है अच्छा समाज बनता है। नल जल लगभग हर एक गाँव में है। नरेगा काम कितना प्रतिशत? नया काम लॉकडाउन में अधिक हुआ है, लगभग 60 नया काम हुआ। ऐसे में जो पलायन करके मजदूर आ रहे थे, तो आपकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई? जो भी मजदूर आए थे बाहर से, तो उनको जो है क्वारंटाइन जो किया गया था, उसके बाद मनरेगा में वो काम दिया। इस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने पंचायत के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे अपने माध्यम से? जनता से हम अपील यही करना चाहेंगे कि पुनः मुझे आशीर्वाद दें, मैं उनका जो है मान सम्मान को देखते हुए उनका विकास करने के लिए उनका सेवा करने के लिए। धन्यवाद। कटो।